की मजबूती को और आगे बढ़ाता हुआ 9% ऊपर है। ऑटोमोटिव एक्सेल्स ये स्टॉक है जहां पर फंड्स की खरीदारी हुई है, यूटीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की, स्टॉक देखिए 8% ऊपर हुआ है, हालांकि वॉल्यूम्स कम है। ट्रैक करते हैं आप इस स्टॉक का अविनाश, ऑटोमोटिव एक्सेल एक और ऑटो इंजीनियरिंग कंपनी। हाँ, एक्चुअली ये कल्याणी ग्रुप कंपनी है अनिल जी, और जिस प्रकार का इनका यू नो बिजनेस मॉडल है, ये ज़्यादातर कमर्शियल व्हीकल सेक्टर को एक्सेल बनाती है। मेरिटर यूएस का भी इनका जो करीबन 35-40% का इक्विटी स्टेक है, तो होपफुली ऐसा लग रहा है कि कमर्शियल व्हीकल सेक्टर जिस प्रकार से ग्रोथ दिखा रहा है, क्लियरली आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉट ओनली डोमेस्टिक बट ये काफ़ी हद तक ये कंपनी एक्सपोर्ट भी अपने प्रोडक्ट्स करती है। तो मेरे ख्याल से क्लियरली इक्विटी बेस काफ़ी छोटा है, करीबन 15 करोड़ की इक्विटी है, और जिस प्रकार के नंबर्स हम अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, इन सारे प्लेयर से देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कमर्शियल व्हीकल का ग्रोथ देखने के बाद हो सकता है कि ये साल, आने वाला साल और नेक्स्ट 12-15 मंथ्स इनके लिए काफी अच्छा हो। ऑलराइट, हालांकि वॉल्यूम्स काफी कम, केवल 20 शेयर ही सुबह से अब तक ट्रेड हुए इस स्टॉक में। हालांकि हमने देखा था यूटीआई म्यूचुअल फंड ने 2.25 लाख शेयर खरीदे थे 660 रुपए के भाव पर, और अब आप देखिए भाव है 711।